पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 31 गोपी के गीत। एक गोपी ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, जब से आपने इस व्रजभूमि भूमि में जन्म लिया है तब से सब कुछ गौरवशाली प्रतीत होता है। वृंदावन की भूमि गौरवशाली हो गई है और ऐसा लगता है कि भाग्य की देवी व्यक्तिगत रूप से हमेशा यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हम ही हैं जो बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम आपको खोज रहे हैं लेकिन अपने सबसे बड़े प्रयास से आपको नहीं देख सकते हैं। हमारा जीवन पूरी तरह से आप पर निर्भर है, इसलिए हम विनती करते हैं कि तुम फिर हमारे पास आओ। एक अन्य गोपी ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, आप कमल के फूल के भी जीवन और आत्मा हैं, जो झीलों के पानी पर उगते हैं, जो शरद ऋतु की स्पष्ट बारिश से पारदर्शी हो जाते हैं। यद्यपि कमल के फूल कितने सुंदर होते हैं, आपकी दृष्टि के बिना वे मुरझा जाते हैं। वैसे ही तुम्हारे बिना हम भी मर रहे हैं। दरअसल हम आपकी पत्नियां नहीं हैं बल्कि आपके गुलाम हैं। आपने हमारे लिए कभी कोई पैसा खर्च नहीं किया, फिर भी हम आपकी नजर से आकर्षित होते हैं। अब अगर हम आपकी नजर को प्राप्त किए बिना मर जाते हैं तो आप हमारी मौतों के लिए जिम्मेदार होंगे। निश्चय ही स्त्रियों का वध बहुत बड़ा पाप है, और यदि तुम हमें देखने नहीं आए और हम मर गए तो तुम पापों के फल भुगतोगे। तो कृपया हमसे मिलें। यह मत सोचो कि केवल कुछ हथियारों से ही किसी को मारा जा सकता है। आपकी अनुपस्थिति से हम मारे जा रहे हैं। आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आप महिलाओं की हत्या के लिए कैसे जिम्मेदार हैं। हम हमेशा आपके आभारी हैं क्योंकि आपने हमें कई बार बचाया है, यमुना के जहरीले पानी से, कालिया नाग से, बकासुर से, इंद्र के क्रोध और उसकी बारिश की धार से, जंगल की आग से और कई अन्य घटनाओं से। आप सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हैं। इतने सारे खतरों से हमारी रक्षा करना आपके लिए अद्भुत है, लेकिन हमें आश्चर्य है कि आप इस समय हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। प्रिय कृष्ण, प्रिय मित्र, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप वास्तव में माता यशोदा या चरवाहे नंद महाराज के पुत्र नहीं हैं। आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व और सभी जीवों के परमात्मा हैं। आप अपनी अकारण दया से इस दुनिया में प्रकट हुए हैं। भगवान ब्रह्मा ने दुनिया की रक्षा के लिए अनुरोध किया है। आपकी कृपा से ही आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं। हे यदु वंश में श्रेष्ठ, यदि कोई इस भौतिकवादी जीवन शैली से भयभीत होकर आपके चरण कमलों की शरण लेता है तो आप उसे कभी भी सुरक्षा से वंचित नहीं करते हैं। आपकी चाल मधुर है और आप स्वतंत्र हैं। एक हाथ से भाग्य की देवी को छू रहे हैं और दूसरे में कमल का फूल धारण कर रहे हैं। वह आपकी असाधारण विशेषता है। इसलिए कृपया हमारे सामने आएं और अपने हाथ में कमल का फूल लेकर हमें आशीर्वाद दें। प्रिय कृष्ण, आप वृंदावन के निवासियों के सभी भयों के हत्यारे हैं। आप सर्वोच्च शक्तिशाली नायक हैं और हम जानते हैं कि आप अपने भक्तों के अनावश्यक गर्व के साथ साथ हम जैसी महिलाओं के गौरव को भी अपनी सुंदर मुस्कान से मार सकते हैं। हम तो बस तेरी दासी और दास हैं, इसलिए कृपया हमें अपना सुंदर कमल जैसा चेहरा दिखाकर हमें स्वीकार करें। प्रिय कृष्ण, वास्तव में हम आपके चरण कमलों को छूकर बहुत लस्टी बन गए हैं। आपके चरण कमलों ने वहां शरण लिए हुए भक्तों के सभी प्रकार के पाप कर्मों को निश्चय ही नष्ट कर दिया है। आप इतने दयालु हैं कि सामान्य जानवर भी आपके चरण कमलों में आश्रय लेते हैं। आपके चरण कमलों में भी भाग्य की देवी का निवास है, फिर भी आपने उनके साथ कालिया नाग के सिर पर नृत्य किया। अब हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया अपने चरण कमलों को हमारे स्तनों पर रखें और आपको छूने की हमारी लालसा को शांत करें। हे प्रभु, आपकी आकर्षक आंखें कमल की तरह बहुत अच्छी और मनभावन हैं। आपके मधुर वचन इतने आकर्षक हैं कि वे बड़े से बड़े विद्वानों को भी प्रसन्न करते हैं, जो आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम आपके बोलने से और आपके चेहरे और आंखों की सुंदरता से भी आकर्षित होते हैं। इसलिए कृपया हमें अपने अमृत चुंबन से संतुष्ट करें। प्रिय भगवान, आपके द्वारा बोले गए शब्द या आपकी गतिविधियों का वर्णन करने वाले शब्द अमृत से भरे हुए हैं, और केवल आपके शब्दों को बोलने या सुनने से ही भौतिक अस्तित्व की धधकती आग से बचाया जा सकता है। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे महान देवता हमेशा आपके शब्दों की महिमा का जप करने में लगे रहते हैं। वे भौतिक संसार में सभी जीवों की पापपूर्ण गतिविधियों को मिटाने के लिए ऐसा करते हैं। यदि कोई केवल आपके दिव्य वचनों को सुनने का प्रयास करता है तो वह बहुत जल्दी पवित्र गतिविधियों के मंच पर चढ़ सकता है। वैष्णवों के लिए आपके शब्द दिव्य आनंद देते हैं, और संत जो दुनिया भर में आपके दिव्य संदेश को वितरित करने में लगे हुए हैं, वे प्रथम श्रेणी के धर्मार्थ व्यक्ति हैं। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी ने की थी जब उन्होंने भगवान चैतन्य को सबसे उदार अवतार के रूप में संबोधित किया था, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में कृष्ण के शब्दों और कृष्ण के प्रेम को मुफ्त में वितरित किया था। प्रिय कृष्ण, गोपियों ने कहा, तुम बहुत चालाक हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी चालाक मुस्कान, आपकी मनभावन नजर, वृंदावन के जंगल में हमारे साथ चलने और आपके शुभ ध्यानों को याद करके हम कितने व्यथित हैं। सुनसान जगहों पर हमारे साथ आपकी बातचीत दिल को छू लेने वाली थी। अब हम सब आपके व्यवहार को याद करके व्यथित हैं। कृपया हमें बचाएं। प्रिय कृष्ण, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जब आप वृंदावन गांव से जंगल में गायों को चराने जाते हैं तो हमें कितना दुख होता है। हम केवल यह सोचकर कितने पीड़ित हैं कि आपके कोमल चरण कमलों को सूखी घास और जंगल में छोटे छोटे पत्थर चुभ रहे हैं।
हम आपसे इतने जुड़े हुए हैं कि हम हमेशा आपके चरण कमलों के बारे में सोचते हैं। हे कृष्ण, जब आप जानवरों के साथ चरागाह से लौटते हैं तो हम देखते हैं कि आपका चेहरा आपके घुंघराले बालों से ढका हुआ है और गायों के खुर से धूल गया है। हम आपका हल्का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं और आपका आनंद लेने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है। हे प्रिय कृष्ण, आप परम प्रेमी हैं और आप हमेशा समर्पित आत्माओं को आश्रय देते हैं। तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो। आपके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा द्वारा भी की जाती है। जो कोई भी आपके चरण कमलों की पूजा करता है, आप निस्संदेह हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। तो कृपया हम पर कृपा करें और अपने चरण कमलों को हमारे स्तनों पर रखें और इस प्रकार हमारे वर्तमान संकटों को दूर करें। प्रिय कृष्ण, हम आपके चुंबन की तलाश कर रहे हैं जो आप अपनी बांसुरी को भी देते हैं। आपकी बांसुरी के स्पंदन ने पूरे विश्व को और हमारे दिलों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। सो कृपा करके लौट आओ और अपने अमृत के मुख से हमें चूमो। इस प्रकार कृष्ण के 31वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। गोपियों के गीत।